हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो टास्क बार में जितने भी एप्लीकेशंस है वो लेफ्ट साइड में, लेकिन मुझे सारे के सारे एप्लीकेशन सेंटर में करने हैं। आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, फिर भी मैं आपके लिए डाउनलोड का प्रोसेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ। आपको एक ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको टास्क बार एक्स लिखना है। अब आप समझो कि फ्री है, मतलब इंटरनेट आपको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। नो फ्रेंड्स, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपको इंटरनेट ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आना है, आपको फर्स्ट लिंक में क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज ओपन हो गया है टास्क बार एक्स का, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है विल गिव यू एन ओरिजिनल विंडो डॉक्स, ओके लाइक फील। एक आपको खाली फील देगा बस, और कुछ नहीं है। बस जैसे कि अगर आप मैकबुक यूज करते हो, तो मैकबुक के अंदर कैसे है, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सेंटर में होते हैं। तो आपको, अगर आप मैकबुक यूजर हो और आपने मैकबुक से आपको एक आदत लग गई है और आप चाहते हो कि आपके विंडो पीसी के अंदर भी वो ही आपको फील करना है, तो आप वो कर सकते हो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद। सो यहाँ पे सिलेक्ट करना है वर्जन, लेटेस्ट करना है, रिकमेंड करता हूँ मैं आपको। फिर यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ राइट साइड में, ठीक है? यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देना, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। शो मी इन फोल्डर करना है, ठीक है? मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, ये जो मैंने अभी एक्स्ट्रा किया था इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ से आपको अनजिप करना है। एक्सट्रैक्ट करके फाइल करना और ओके। अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया है, ठीक है? अब मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का आइकॉन दिख रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक ग्रे कलर का है। ये इसका यूसेज अलग अलग है, ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेटर है और ये इंस्टॉलेशन है। आपको ब्लू के आइकन में जो लोगो है वहाँ पे क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा एप्लीकेशन का। आप देख सकते हो टैब्स एप्लीकेशंस। यहाँ पे आपको क्लिक करना है राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? ये क्लिक करने के बाद आपको कुछ परमिशन पूछेगा, यस कर देना। यस करने के बाद अब ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेंटर में आ गया है, ठीक है? अभी मुझे फ्रेंड्स ये जो टास्क बार है मुझे इसको ट्रांसपेरेंसी बनाना है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपली स्टेप से आपको फोल्डर में जाना है, और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो ग्रे कलर का आइकॉन है इस पे आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है? डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टाइल में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, डिफॉल्ट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ग्रेडियंट्स, ऐसे तरह तरह के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये कुछ RGB आपको अपने हिसाब से कलर आपको सेट करना है आपके टास्क बार में, तो वो भी आप कर सकते हो। एनिमेशन के अंदर आपको जो भी एनिमेशन चाहिए तो आप कोई भी एक फाइल्स यहाँ से पिकअप कर लो तो हो जाएगा। मैं बाय डिफॉल्ट लेने, जो पोजीशन है, टास्क शेड्यूल है और एक्सट्रैक्ट है, अबाउट है एंड अनइंस्टॉल है, ठीक है? तो यहाँ पे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी कर लेता हूँ, ये थीम में लेता हूँ, एक फील के लिए अप्लाई करना है, क्लोज करना है। अब देखोगे फोल्डर को भी मैं क्लोज क्लोज कर दूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कि कितना अच्छा एक फील आ गया। जैसा कि मैं आपको, अगर आप मैकबुक यूज करते हो तो आपको वैसे, और एक बात होती है सेंटर में एप्लीकेशन आने के लिए क्योंकि इजी टू क्लिक हो जाता है। यहाँ पे जब होता था एप्लीकेशन तो हमें माउस को यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आना पड़ता था, ये लंबा होता था प्रोसेस। अब एक सेंटर में तो इजीली कन्वीनियंट कोई कुछ भी आपको ओपन करना, मैंने एक ब्राउजर को ओपन कर दिया, मैंने फोल्डर को ओपन कर दिया, तो इजी टू कन्वीनियंट है और अच्छा लगा मुझे। अब बात करते हैं अनइंस्टॉल की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया अनइंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है? तो मैं जाता हूँ डाउनलोड्स के अंदर, वही फोल्डर में मुझे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है। यहाँ पे कहता है कि ये जो एप्लीकेशन अगर आप अनइंस्टॉल करते हो ये, तो करंट अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ से होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल पैनल में अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स, तो
तो वह यहाँ पे शो नहीं करेगा फ्रेंड्स। ये जो एप्लीकेशन है अनइंस्टॉल में आपको यहाँ पे शो नहीं की। सो आपको जो मैंने स्टेप्स बताए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से अनइंस्टॉल करके यस कर दो। ओके ठीक है, तो अनइंस्टॉल कर। देखो सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।